आओ जी, अब हम आगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। निकाल लो फोर्थ क्वेश्चन, निकाल लो बेटा, सभी लोग निकाल लो जी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? एडजस्टमेंट निकाल लो, निकालो फोर्थ क्वेश्चन की एडजस्टमेंट निकालो। पढ़ना क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक है बताओ, 64,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो 64,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड भी आएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा, 64,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बेटा बताओ? वेजेस। तो ऊपर जाओ, वेजेस पे डॉट लगाओ, वेजेस पे डॉट लगा लो, लगा लिया। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, किस पे है? बैड डेट्स पे। तो डेटर पे जाके डॉट लगा लो। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेटर पे एक और डॉट लगा लो। उसके बाद क्या पॉइंट है? रेंट पे पॉइंट है, तो रेंट पे जाके डॉट लगा लो। उसके बाद इंश्योरेंस पे जाके डॉट लगा लो। उसके बाद है जी लोन पे पॉइंट है, तो लोन पे जाके डॉट लगा लो। उसके बाद इतने सारे पॉइंट है फोर्थ क्वेश्चन में है ना हम लोग, ठीक है। तो मशीन पे जाके डॉट लगा लो, फर्नीचर पे भी लगा लो, और बस अब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ। बस सबसे पहले बताओ क्या गिवन है? कैपिटल। कितना कैपिटल है? 18 लाख। बस गरीब आदमी के अकाउंट सुधार रहे हैं। तो कैपिटल में जाके क्या लिख दोगे? 80,000। उसके बाद ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स को क्या करोगे? कैपिटल में से ही कितना? 18। बताओ 80,000 में से 18,000 तो भाई ने निकाल ही लिए। सेल्स, सेल्स कहां आएंगी? ट्रेडिंग में। क्रेडिट कितने से? 1,55,000। आगे परचेज, कितनी परचेज है? 82,600। ट्रेडिंग में डेबिट हो जाएगी परचेज। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना है? 42,000। तो 42,000 ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न, कितनी परचेज रिटर्न है? 1600 माइनस कर दिया। आगे बोलो, कैरेज इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कैरेज इनवर्ड कितना है? 1200। आगे बोलो सर, वेजेस पे पॉइंट है, तो पहले काम करते हैं वेजेस लिख लेते हैं। कितनी वेजेस हैं? 4000। अच्छा, अब पॉइंट पढ़ो वेजेस पे क्या पॉइंट है। पढ़ो पॉइंट, पढ़ो वेजेस पे क्या पॉइंट है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं सर? खर्चे में ऐड कर देते हैं। तो प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी? 2400। तो टोटल हो गया 6400 हो गई वेजेस। और बैलेंस शीट में वेजेस कहां दिखाई देंगे? एसेट साइड के लायबिलिटी साइड, किस कहां पे? नॉन करंट में कि करंट में? क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 2400। देख रहे हो क्वेश्चन करना कितना आसान हो गया हमारे लिए। डाउट कोई? क्लियर है सबको? किसी को स्पीड टेस्ट तो नहीं लग रही? फॉर्मेट हमने बना के पहले से रखा हुआ है, ठीक है। अब तो फटाफट क्या करने जाना है? पुट करते चले जाना है, और जिस पॉइंट पे डॉट आ रहा है वो पॉइंट हमें पहले से करने आते हैं। हमें आते हैं कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, बैड डेट्स, हिडन एडजस्टमेंट, हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। दो चार छोटी छोटी एडजस्टमेंट हमारी अब रह गई। आगे चलो, उसके बाद क्या है? पावर। पावर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कितना? आगे बोलो। मशीनरी, सर मशीनरी क्या होती है? नॉन करंट एसेट, इसमें पॉइंट है, ठीक है जी। तो मशीनरी को भी अंदर लिख लेते हैं। कितने की मशीनरी है? 50,000। पॉइंट पढ़ो कि मशीनरी में पॉइंट क्या है? 10% क्या लगाना है? तो मशीन में से माइनस कर देंगे 5,000। तो मशीन कितने की दिखाई देने लगेगी आपको? 45। और ये 5,000 आपको कहां दिखाई देंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 5,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? किसी को डाउट है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? फर्नीचर। सर फर्नीचर भी नॉन करंट एसेट होती है। कितने का फर्नीचर है? 14,000। इसमें कोई पॉइंट? क्या पॉइंट है? कितना डेप्रिसिएशन है इसमें? 5%। तो 700 रुपए माइनस कर दिया,
13,300 फर्नीचर आ गया और यहां लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना बेटा 700 रुपए। कोई डाउट यहां तक क्लियर है यहां तक सबको? आगे चलो फिर बताओ क्या हुआ। रेंट डेबिट में बढ़ा है कि क्रेडिट में बढ़ा है? रेंट डेबिट में। तो एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। तो टू रेंट कितना रेंट है? 22,000। हाँ कोई बात नहीं 22,000 ठीक है 22,000 अंदर लिख लिया क्योंकि इसमें पॉइंट है। अब पॉइंट पढ़ो, पॉइंट क्या है? पेड फॉर। अब ध्यान से देखना कि जो रेंट है ना रेंट ये 22,000 रुपए 11 महीने का है। इसका मतलब 2,000 पर मंथ। साल में कितने महीने होते हैं? हमने कितने का पे किया है? इसका मतलब एक महीने का अभी भी क्या चल रहा होगा? कितना हो गया? क्या करूं बताओ? प्लस क्या कर दूं? कितना? अब कितना दिखाई देगा यहां? और यहां लायबिलिटीज में जाके क्या लिख दूं? आउटस्टैंडिंग कितने हजार? देख रहे हो कितना स्पीड से और कितना एक्यूरेट हाथ चल रहा है हमारा, क्योंकि हमने शुरू से पिछले चैप्टर से अपनी हैबिट डेवलप करी किस चीज की? क्या करने की? फॉर्मेट पहले बना लेने की। आप स्कूल नहीं जा रहे, आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे स्कूल्स में पहले क्या सिखाया जाता है? पहले क्या बना लो, फिर क्या? भाई साहब क्यों करें ऐसे काम? तीनों एक साथ खोल लेंगे दो पेज पे, फटाफट अपने पॉइंट करते चले जाएंगे। जनरली बच्चों को इसमें 18 से 22 मिनट तक लगते हैं, हम इसे 7 से 8 मिनट में वाइंड अप कर देंगे। जो भी टाइम लगेगा कैलकुलेशन में लगेगा, बाकी कॉन्सेप्ट में टाइम नहीं लगेगा हमें इसमें। क्लियर है? अगला पॉइंट पढ़ो क्या है? सैलरी। सैलरी भी कहां आएगी? कितनी सैलरी है? कोई पॉइंट है इसमें? नहीं है तो सीधा सीधा बाहर लिख दोगे। आगे पॉइंट है इसमें तो टू इंश्योरेंस, पहले तो लिखो इंश्योरेंस। कितनी इंश्योरेंस है? 3600 है। आगे बोलो फिर क्या हुआ? 30 पूरा पॉइंट पढ़ो। पूरा पॉइंट क्या है? पर एनम। अच्छा ऐसा नहीं है कि हमने इस साल इंश्योरेंस स्टार्टिंग से करवाई होगी। जो 3600 रुपए का खर्चा है वो कितने टाइम का है? एक साल का। कितने साल का? आ जाओ जी इंश्योरेंस 3600 रुपए सालाना है 12 महीने की, तो पर मंथ कितनी हो गई? 300 रुपए पर मंथ हो गई। खत्म कब होनी है? पर मेरा साल कब खत्म हो जाएगा? मार्च में। तो मैंने कितने महीने की एक्स्ट्रा दे रखी है? अप्रैल मई इंटू में 2 मंथ क्या हो गई? 600 रुपए की प्रीपेड हो गई। कितने की प्रीपेड हो गई? मेरी बात को ध्यान से समझना। इसी पॉइंट में यदि लिखा होता इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 मई तो क्या करते? ऐसे ही करते या कुछ चेंज हो जाता? क्या आपको पॉइंट समझ आया मेरा? तो अभी भी तो प्रीपेड है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी क्या लिखा है? अभी वो कह रहा है 3600 रुपए की इंश्योरेंस सालाना है। कितनी है? एक साल की। और वो एक साल कब खत्म होने वाला है? 31 मई को। बट यार मैं कह रहा हूं कि ये 12, इसका मतलब ये इंश्योरेंस हमने कब ली होगी? एक साल पहले ना, 1 जून को ली होगी। 1 जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, एक पिछले साल एक जून को ली थी, है ना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा लिखा होता कि इंश्योरेंस पे 3600 रुपए पेड अप टू 30 मई तो क्या करते? तो इसे ना हम 12 से नहीं 14 से डिवाइड करते। हम मान के चलते कि इंश्योरेंस इस पूरे साल और अगले साल के 2 महीने की चुका रखी है, 12 की नहीं 14 की हो जाती। यदि क्या लिखा होता? अब यदि ये वर्ड ना लिखा होता कि 3600 रुपए पर एनम है, यदि क्या वर्ड ना लिखा होता? देखो इस पॉइंट में पढ़ो क्या लिखा है, पेड 3600 फॉर पर एनम। हाँ बिल्कुल ईयरली बन रहे हैं।
नहीं 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 देख, वो कह रहा है कि 3600 रुपए हमने सालाना दिए है, सालाना दिए, पर वो साल खत्म कब हो रहा है? मई में, पर मेरी बुक्स कब क्लोज करनी है? मार्च में, तो 2 महीने एक्स्ट्रा है। 3600 जो दिए हैं वो 12 के ही दिए हैं, बात समझ रहे हो? यदि वो ये पर एनम वर्ड ना लिखता, बात समझो, यदि वो वर्ड पर एनम और सिर्फ बोलता कि इंश्योरेंस कब तक की पे करी है, 30th मई तक की, तो हम इसे 12 से डिवाइड करते या 14 से डिवाइड करते? 14 से डिवाइड करते। फिर उस केस में हम ये मानते कि इस पूरे साल की इंश्योरेंस दी है प्लस अगले साल 2 महीने की एक्स्ट्रा इंश्योरेंस दी है। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आया सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यहीं खेल जाएगा हमारे साथ, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। तो प्रीपेड कितनी है बताना? माइनस प्रीपेड 600 कितना आ गया? 3000। और करंट में जाके क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपए। आगे बोलो। और अगर कुछ बिना लिखा हो जैसे, तो फिर तुम पूरा खर्चा ही मान लेंगे 3600 का। हाँ, बस जब एडजस्टमेंट ही नहीं है तो मान के चलेंगे। अब देख, सैलरी को हमने सीधा 15000 मान लिया, हमसे कोई पॉइंट थोड़ा था, पॉइंट होगा तो पॉइंट करेंगे ना। आगे चलते हैं बेटा, फिर क्या कह रहा है? बैंक लोन 8%, क्या क्या होती है ये? हिडन, क्या होती है ये? 8% का बैंक लोन कितने का है? 25,000। अब पॉइंट क्या है इस पे? कोई पॉइंट है? टेकन ऑन 1st October। बात को बहुत ध्यान से समझना। लोन कब लिया है? लोन कब लिया है? अक्टूबर में। तो कितने महीने का ब्याज देना बनता है? कहां से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। 25 लिखो, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, है ना? ऐसे निकलेगा ना, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्या आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? 1,000। ट्रायल में देखो कहीं इंटरेस्ट दे रखा है? ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है? कहीं नहीं है ना। इसका मतलब यह बात स्पष्ट साफ होती है कि इस व्यक्ति ने अभी तक ब्याज नहीं दिया। दिया होता तो एंट्री की होती इंटरेस्ट टू बैंक, वो इंटरेस्ट ट्रायल में दिखाई देता या नहीं देता? तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा फिर? इसका मतलब चुकाया ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या? क्वेश्चन कह रहा है करने के लिए, क्या हमें करके आना है? क्वेश्चन कह रहा है, बोलो हाँ या ना। देखो डरो मत कि कैमरा चल रहा है, बोलना नहीं है, वो मैं एडिट कर लूंगा, तुम उसको छोड़ दो भाई, तुम सिर्फ अपने बात पे ध्यान, तुम्हें तुम्हारे सामने कैमरा नहीं है ये, ठीक है? मतलब कोई ऐसे डर रहा होगी यार, फिर रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, जो मन में आए बोल दो, मतलब गाली वाली मत देना ऐसे, ठीक है? हाँ चलो बताओ बताओ, जल्दी बोलो भाई, क्या ब्याज दिया हुआ है? देखो हमें खुद एडजस्ट करके आना है। क्यों करके आना है? मैंने क्या सिखाया था? कौन सी एडजस्टमेंट है ये? हिडन एडजस्टमेंट है। तो करो फिर भाई, लिखो यहां पे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना? 1,000। और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,000। कोई डाउट? क्लियर है इतनी बात सबको? आगे चले, खत्म क्वेश्चन। डेटर, ये तो डेटर, डेटर क्या? कितने के डेटर है बोलो? 20,600। एक चीज चेक करो, क्या कोई बैड डेट ट्रायल के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो ट्रायल के अंदर कोई बैड डेट है नहीं। अब एडजस्टमेंट में देखो कोई बैड डेट है? ये कौन से है, फर्दर वाले हैं कि नॉर्मल वाले हैं? आप कैसे कह सकते हो? सर ट्रायल के बाहर पड़े हैं। इन बैड डेट्स का पता हमें कब चला होगा? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। मैं इसको क्या कहूंगा? मुझे तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि भाई तू हमें अब बता रहा है, पहले बता देता हम सीधी एंट्री कर देते, अब हमें वापस कहां जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी, लेजर ठीक करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। वो कह रहा नहीं 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 सर, मैं बताता हूं कैसे करना है। मैं कब बता? कह रहा P&L में डेबिट करो, डेटर में से कम कर दो। मैं कब? वाओ बड़ा इंटेलिजेंट है। कह रहा आपसे तो बड़ा हूं, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये फर्दर बैड डेट है, क्या ये बोलो? क्या लिखे? टू
कितने के हैं? 600 के। और डेटर में से क्या कर दोगे? दो काम हो गए, खर्चा मान के कहां डेबिट कर दिया, लॉस मान के पीएनएल में डेबिट कर दिया, और दूसरा काम क्या किया, डेटर में से लेस कर दिए। आगे बोलो फिर क्या हुआ, कितना माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बनेगा, 1000 रुपए का। कितने का बनेगा बेटा, 1000 रुपए का। और यहां क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बेटा, 1000। आगे बोलो, कोई डाउट यहां तक, क्रेडिटर्स कोई पॉइंट तो नहीं है इसमें, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने, 18900। आगे बोलो, कैश इन, सर वो तो करंट एसेट्स होता है, कैश इन हैंड कितना, 1500। आगे बोलो, बस खत्म, बस इतना ही आसान था, उठा लो भाई बस फिर, अब तो बना लो। वो आज हमारा कैलकुलेटर आया नहीं, हाँ जी माइनस करो, ये कितना आ गया, 1,55,000। 155 में 64 ऐड करो, 2,19,000। एक बार परचेज में से माइनस करके बताना क्या आ रहा है, 81,000। और यहां से टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 82,400 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल में क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम कहां से आया, ट्रेडिंग से, कितना, 82,400। ये सारे खर्चे माइनस करके बताओ क्या आ रहा है, 32,400। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 32,100। 32,100 हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को कहां ले जाएं, कैपिटल में ले जाके ऐड कर दें, 32,100 करो, कैपिटल बताओ कितना आ रहा है, कैपिटल आ रहा है 94,100। अब बैलेंस शीट का टोटल बताओ क्या आ रहा है, 94,100 प्लस 25,000 प्लस 18,900 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 2,400 कितना है, 143,400। यहां भी यही आ रहा है, 1,43,100 आंसर आ गया, 400 सॉरी भाई सॉरी, ये लो 400 रुपए, खत्म जी खत्म। कितना बढ़िया और कितने स्टैंडर्डाइज तरीके से पूरे का पूरा क्वेश्चन कवर अप हो गया हमारा। देर लगी, फॉरवर्ड बने हुए थे, कंसेप्ट हमें पहले से आते थे या नहीं आते थे, नहीं आते थे, तेरे को नहीं आते, ठीक है।